ये स्टार्ट करते हैं। इसके हमने ऊपर ऑर्डर आईडी और प्राइस तो निकाल लिया था, उसमें कोई डाउट है आपको? नहीं, प्रैक्टिस किया था दोबारा से? किया था। ठीक है। अब एक हमारे पास सिचुएशन आ सकती है कि हमें नहीं पता कि ऊपर हेडर कौन सा लिखा होगा, मेरे को क्वालिटी का चाहिए, ऑर्डर प्राइस का चाहिए, ये कभी भी रैंडमली चेंज हो सकते हैं। अब मैं ऐसे एक टेबल में से कह रहा हूँ, ना मेरे को हेडर फिक्स है ना मेरे को रो नंबर फिक्स है, ये पता है कि मेरे को मैच ये करना है प्रोडक्ट। अब मेरे से क्या मांगने वाले हैं, ऑर्डर आईडी, प्राइस, क्वांटिटी, ये नहीं पता, और किस किस सीक्वेंस से मांगेंगे वो भी नहीं पता, कि आपको पहले प्राइस मांग सकते हैं, कभी भी ऑर्डर आईडी पहले मांग सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल है, मुश्किल कुछ ये भी नहीं है। इक्वल्स टू इंडेक्स, इंडेक्स करने के बाद अब देखो ना मेरे पास कॉलम फिक्स है ना मेरे पास रो फिक्स है, तो यानी कि मेरी पूरी टेबल में से कहीं से भी मेरे को रिजल्ट चाहिए हो सकते हैं। इवन हो सकता है कि मेरे को सेम ही कॉलम चाहिए, प्रोडक्ट ही देखना चाहता हूँ कि एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ऐसे केस में और कुछ नहीं करना, बस अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लो, इसको फिक्स कर दो उसके बाद। और कहीं पे अगर आपके हो ना कि रॉ डेटा बढ़ सकते हैं तो नीचे तो सारी रो सिलेक्ट कर लेना। ओके अब मैंने सिलेक्ट क्या किया, B13 से लेके E18। तो मैं जितना भी चलूंगा कॉलम से, यानी मैं B2E में मूव कर सकता हूँ और रोज में 13-18 के बीच में मूव कर सकता हूँ। कॉमा, आपने हेडिंग भी ले लिया है ना इसमें? हाँ जी, क्योंकि वही कह रहा हूँ मैं, फिक्स ही नहीं है कुछ भी, कुछ भी मांग सकते हैं वो। कॉमा मैच इंडेक्स का साथ के साथ मैं फॉर्मूला भी रीड करता जाता हूँ। बोल्ड में मेरे पास हो रखा है रो नंबर, रो नंबर के लिए पहले मैं मैच यूज कर रहा हूँ, ये हमेशा ऐसी सीक्वेंस में रहेगा, हमेशा पहले रो नंबर फिर कॉलम को चेक करने के लिए। अब रो नंबर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ मैच फंक्शन, मेरे पास यहाँ पे ऊपर लिखा होता मेरे को दिख नहीं रहा, तो मैं नीचे क्लिक करके ऊपर ले जाऊंगा कीबोर्ड से। अब की दबाई तो वहां पे मेरे को ले गए, लेफ्ट साइड में होता है और नीचे अगर से मूव करना है तो उसके लिए आपको बता रखा है हमेशा कॉलम फिक्स करने, तो मैं इसका कॉलम फिक्स कर देता हूँ। क्या 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 ये दोबारा बोला आपने, क्या बोला? कि अगर लेफ्ट साइड से कुछ भी चूज कर रहे हो और उसको ऊपर नीचे आपको मूव करना है तो कॉलम फिक्स करते हैं। ओके, ये आपको मैंने बताया भी था, लेफ्ट साइड से कॉलम फिक्स, ऊपर की साइड से रोज। ओके, जब हम सेल रेफरेंसिंग का पढ़ रहे थे। हाँ, अगर ये कि मेरे को पूरा ही मूव नहीं करना फिर मैं पूरा फिक्स कर दूंगा। अब मेरे को पता है फ्रूट्स एक एक करके नीचे मूव हो रहे हैं तो मैं उसका कॉलम फिक्स कर दूंगा, ताकि रोज चेंज होते रहे कॉलम चेंज ना हो जब मैं राइट साइड में लेके जाऊं। अब जैसे मैं रो नंबर 14 है नीचे जाऊंगा तो 15 हो जाएगा, लेकिन जब मैं राइट में ड्रैग करूंगा तो मेरा एच कॉलम नहीं हिलेगा, फ्रूट हमेशा एच कॉलम से उठाएगा वो। अब जो यहाँ पे फ्रूट का नाम था मैंगो वगैरह, ये मेरे को कहाँ पे मिलेगा, ये मेरे को इसी के अंदर मिलेगा प्रोडक्ट में। अब मैं यहाँ पे B13 से E18 तक सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे भी मैं 13 से 18 के बीच में सिलेक्ट करूंगा, यानी मैं सिर्फ एप्पल से स्टार्ट नहीं कर सकता और नीचे भी नहीं एक्स्ट्रा लेके जा सकता, वो आपको हेडर से ही करना पड़ेगा, आप ये कह रहे हो राइट? हाँ जी, सिमिलर रखना है। हाँ जी, हेडर से लेके जहां तक नीचे तक आपने टेबल सेलेक्ट कर रखी है। कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज। तो मेरे को रो नंबर मिल गई, अब मैं चेक करवाऊंगा कॉलम्स, तो मैं दोबारा लगाता हूँ कॉमा मैच। मैच क्या करना है, ऊपर से जो भी हमारे पास हेडर लिख के दे दें वो, जो कि मेरा चेंज भी हो सकता है, ऊपर की साइड है तो रो फिक्स होगी हमारी, जब तक मेरे को पूरा फिक्स ना करना तो ऊपर की साइड में हमेशा रो फिक्स होगी। कॉमा ये हेडर्स है मेरे को कहाँ पे मिलेंगे, अब मैं कह रहा हूँ ये वाला हेडर मेरे को इसी के हेडर्स में मिलेगा, तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा इसी टेबल में। अब मैंने यहाँ पे B2E लिखा था तो यहाँ पे भी मैं B2E लिख रहा हूँ, B13 से लेके E13 तक। ये E की वो मैं F तक नहीं लेके जाऊंगा कभी भी, उसी के बीच में स्टार्ट करना है, और ना मैं C से स्टार्ट करूंगा।
कॉमा जीरो अगेन एग्जैक्ट मैच के लिए, मैच की ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद इंडेक्स की ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसको साइड द कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, तो ये क्वांटिटी दिखा रहा है 30, ऑर्डर आईडी यहाँ पे दिखा रहा है 102566, चेक भी कर लेते हैं सही दिखा रहा है, मैंगो की यही है 1002566, सेम एग्जैक्ट मैच। इवन अगर मेरे को मान लो प्राइस पहले चाहिए तो मैं हेडर चेंज कर दूंगा ऊपर प्राइस, तो मेरे को प्राइस का पहले आ जाएगा। ओके और ये बेसिकली हम लोग वीलुकअप से भी कर सकते थे ना, लेकिन एक एक करके करना पड़ता है। वीलुकअप से पहले तो आप लेफ्ट का ऑर्डर आईडी नहीं निकाल पाते ना। राइट राइट का ही निकलता उसमें। अब इसमें से मैं कोई भी कॉलम ले सकता हूँ, इवन मैं प्रोडक्ट सेम भी ले सकता हूँ, जैसे मैं प्राइस की जगह प्रोडक्ट लिखूंगा तो प्रोडक्ट का नाम भी दोबारा आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार खुद लगा के देखो। आता है क्या? हाँ काफी आता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है वैसे ये ना। कॉम्प्लिकेटेड क्यों, दो बार मैच ही तो लगा है, इंडेक्स में बता दी पूरी टेबल, टेबल में से कौन सी रो चाहिए, उसका कौन सा कॉलम चाहिए। ठीक है अंचल, आप भी खुद करके देखो, इक्वल्स टू इंडेक्स पे पूरी टेबल सिलेक्ट करके फ्रीज कर दो। हाँ सर, ट्राइंग रो नंबर मुझे चाहिए पहले, क्वांटिटी नहीं। रो नंबर आपको चाहिए मैंगो का? अच्छा यहाँ पे है मैंगो, तो पहले मैच का फंक्शन यूज होगा तब सिलेक्ट करोगे। ये हो गया रो। बट आपको कॉलम करना है ना लेफ्ट साइड में। अब वो है ना? हाँ जी, लेफ्ट में कभी भी हो तो उसका कॉलम भी फिक्स करना है आपको। जब तक लेफ्ट का क्या मतलब है, आपके लेफ्ट साइड में लिखे ना मैंगो, अच्छा ओके, क्वांटिटी ऊपर लिखे उसमें रो फिक्स। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट। तो ये हमने कर दिया दिस, ये मेरी लुकअप वैल्यू हो गई। लुकअप पहले मैं यहाँ से ले लूंगी, मैं ये इसमें है राइट, करेक्ट। एक सेकंड, इसमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। वैल्यू है मेरी क्वांटिटी, मुझे रो फिक्स करनी है। सर जब ये एरे के बाद रो नंबर आ रहा है, रो अंडरस्कोर नंबर, तब हम मैच हम करेंगे ना अप्लाई? हाँ जी, फर्स्ट मैच आप तब करोगे रो अंडरस्कोर नंबर के लिए, सेकंड आप करोगे कॉलम के लिए, अगर कॉलम भी मैच करना हो तो। जब ने लास्ट क्लास में किया था सिर्फ रो नंबर का किया था। माय गॉड, हो गया क्या मेरा जवाब से? ओह वाओ, देखा वैसे मेरे को आप पूरा भरोसा तब कर लोगे। थैंक यू सर। लुकअप वैल्यू में जो ये प्रोडक्ट है इसको भी हम फिर पूरा ही लेंगे ना? एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर लो। इक्वल्स टू इंडेक्स, इंडेक्स फंक्शन हमारा जो हमें रिजल्ट चाहिए वो लाके देगा एरे में। करंटली मेरा बोल्ड है एरे, अब यहाँ पे बस ना रो फिक्स है, रो नंबर की मेरे को कौन सी चाहिए ना, मेरे को कॉलम का हेडर फिक्स है,
तो उसके लिए मैं सबसे पहले कह रहा हूँ पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लो, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ऑर्डर आईडी चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, प्राइस चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। हेडर ऊपर जो भी चेंज होगा उसका रिजल्ट मिल जाए बस। ओके यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर। लास्ट टाइम हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम इसलिए चूज किया था, तब एक कॉलम हमारा फिक्स था एटलीस्ट कि हमें ऑर्डर आईडी चाहिए या प्राइस चाहिए। अब हमारे पास दोनों फिक्स नहीं है। उसके बाद में बस बोल्ड में आ रहा है रो नंबर, अपने टेबल सेलेक्ट किया, टेबल की कौन सी रो का आपको रिजल्ट चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ जो यहाँ पे मैंगो लिखा हो ना उसका हमें को चाहिए, जो भी फ्रूट में बस लेफ्ट साइड में लिखा होगा। तो उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ मैच, और मैंगो में को यहाँ पे दिख नहीं पा रहा क्योंकि फॉर्मूला ना लेफ्ट साइड तक थोड़ा सा आगे, तो मैं साइड में या फिर नीचे कहीं पे क्लिक करके ना कीबोर्ड से अप डाउन वाली की से मूव करूंगा। जैसे मैंने ग्रेप्स पे क्लिक किया और अप की दबा दी, या मैं साइड में क्लिक करके राइट की दबा के भी आ सकता था। लेफ्ट साइड में और हमें नीचे की तरफ मूव करना है, अब ऊपर की साइड वर्टिकली मूव करना है, तो हमेशा आपका कॉलम फिक्स होगा। ओके कॉमा, ये जो मैंगो लिखा है ये मेरे को मिलेगा कहाँ? स्टेबल में, प्रोडक्ट वाले में मिलेगा। अब इस प्रोडक्ट में मैं सिर्फ वहीं तक सिलेक्ट कर सकता हूँ जहाँ पर मेरे टेबल है, मैं नीचे एक्स्ट्रा नहीं लेके जा सकता। जैसे मैं अभी ले गया ना, नीचे नीचे तक नहीं जा सकता मैं। मेरे को सिर्फ इसी के बीच में करना है ना, मैं हेडर स्किप करूंगा क्योंकि टेबल के स्टार्टिंग मेरे से हो रही है, 13 से 18 के बीच में रहूंगा क्योंकि यहाँ पे मैंने 13 से 18 तक सिलेक्ट किया था। अब इस टेबल एरिया को मैं पूरा फिक्स कर दूंगा। ठीक है, लुकअप पहले मैंने फिक्स कर लिया अपना। कॉमा, एग्जैक्ट मेरे को चाहिए कि अगर पूरा मैंगो लिखो तो ही मेरे को रिजल्ट दे, इसलिए जीरो। जैसे वीलुकअप में जीरो आता था ना फॉल्स के लिए, एग्जैक्ट मैच, ये वही चीज है, जीरो यहाँ पे भी। तो ये आपका जीरो ही रहेगा हमेशा, ये कभी भी चेंज नहीं करोगे आप। ओके अब दोबारा मैं कॉलम दबाता हूँ तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉलम अंडरस्कोर नम। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है वो चीज ना ऑप्शनल है, कि आप नहीं भी दोगे तो फॉर्मूला एंड कर सकते हो, अगर आपके रिक्वायरमेंट है तो दो, नहीं है तो मत दो। ऊपर जब हम पहले खाली से निकाल रहे थे रो नंबर के बेस पे, तब हम कॉलम नंबर का नहीं दे रहे थे क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में था, तुम नहीं भी देंगे तो चल जाता है। पर यहाँ पे मेरे को ना हेडर्स भी मैच करवाने हैं कि ऊपर जो हेडर लिखा हो सिर्फ उसका रिजल्ट चाहिए। तो मैं अगेन दोबारा से मैच लगाऊंगा, मैच में क्वांटिटी ऊपर जो हेडर यहाँ पे लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आज लग गया, पता नहीं शेयरिंग में क्या हो जाता है। उस क्वांटिटी को मैंने सिलेक्ट कर लिया कि अब जो भी ऊपर हेडर लिखे उसको आप सिलेक्ट कर लो, ऊपर की साइड लिखे और मेरे को लेफ्ट लेफ्ट टू राइट अब मूव करना है तो मैं इसके फिक्स कर दूंगा। रो मैंने इसलिए फिक्स किया ताकि मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर सकूं इजिली और कॉलम भी मेरा चेंज होता रहे। पर लेकिन मैं नीचे कॉपी पेस्ट करूं तो रो नंबर क्वांटिटी से लेके नीचे वाले रिजल्ट पे ना आ जाए। अब रो फिक्स हो गई, कॉमा। अब ये क्वांटिटी मेरे को यहाँ पे कहाँ मिलेगा? ये इसके हेडर्स के अंदर ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने बी टू ई सिलेक्ट किए थे कॉलम, तो यहाँ पे भी मैं B13 से E13 के अंदर ही मूव करूंगा। कॉमा जीरो, सेम वही एग्जैक्ट मैच के लिए, मैच के ब्रैकेट क्लोज, इंडेक्स के ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फर्स्ट मैच से हमने रो ढूंढी, सेकंड मैच से हमने कॉलम ढूंढा। लुकअप वैल्यू हमारे पास रो की यहाँ पे मैंगो लिखी हुई थी और क्वांटिटी हमारे पास एज ए हेडर ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है, अब खुद लगा के देखो एक बार।
आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है